everyone. Welcome to today's new topic. This is rearrange the event. इसमें हम आपको कुछ ऐसे वाक्य देंगे जो अव्यवस्थित है. आपकी बोर्ड की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा कि इन्हें आप व्यवस्थित करिए. अब हम चूंकि इसको सीख रहे हैं, सो वी विल स्टार्ट विद सम वेल नोन इंसिडेंट्स, वेल नोन इवेंट्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. तो जो पहला आपके पास में आ रहा है उसमें इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा. सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा एक इस तरह का इंस्ट्रक्शन जिसका है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द इवेंट. कि निम्न वाक्यों को आप पढ़िए और उन्हें घटना के समय के अनुसार व्यवस्थित कीजिए. इस तरीके से ये लिखा हुआ आपको मिलेगा. अब हमने यहाँ पे दो बॉक्स आपके लिए दिए हैं. एक में हम आपको अनअरेंज्ड इवेंट दे रहे हैं जिसमें अव्यवस्थित घटना के बारे में आपको बताया गया है, और दूसरे बॉक्स में जो ब्लू बॉक्स है उसमें हम आपको एक आंसर देंगे. ये अरेंज्ड इवेंट होगी. सो सबसे पहले आप ट्राई करें कि इसको कैसे अरेंज किया जाए, और उसके बाद में अपने आंसर से हमारे आंसर को मिलाइए. हो सकता है आपका आंसर 100% सही हो. सो हैप्पी लर्निंग एंड लेट अस टर्न टुवर्ड्स द अनअरेंज्ड इवेंट. द फर्स्ट सेंटेंस इज, देयर वॉज अ हंग्री फॉक्स. द सेकेंड इज, ही प्रेज्ड द क्रो फॉर हिज स्वीट वॉइस. उसने कोए की प्रशंसा उसकी मीठी वाणी के लिए की. नेक्स्ट, ही सॉ ए पीस ऑफ ब्रेड इन ए क्रोज बीक. उसने कोए की चोंच में एक रोटी का टुकड़ा देखा. ही टुक द पीस ऑफ ब्रेड एंड रन अवे. उसने रोटी का टुकड़ा लिया और भाग गया. Then the foolish crow opened his beak and the bread fell down. मूर्ख कोए ने अपनी चोंच खोली और रोटी नीचे गिर गई. तो ये पांच सेंटेंसेस हमने दिए हैं, अनअरेंज्ड दिए हैं आपको. सो लेट अस हैव ए प्रैक्टिस. देखिए, आपको जिस तरीके से आपने इसको एडजस्ट किया होगा, अब आप अपने उत्तर को हमारे उत्तर से मिलाइए. तो विश्वास करते हैं कि आपने सही मिलाया होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट एक वेल नोन इंसिडेंट है जो हम सबने बहुत पढ़ी है. तो लेट अस वॉच योर आंसर. फर्स्ट सेंटेंस, देयर वॉज ए हंग्री फॉक्स. एक बार एक भूखा लोमड़ था. ही सॉ ए पीस ऑफ ब्रेड इन ए क्रोज बीक. उसने कोए की चोंच में एक रोटी का टुकड़ा देखा. He praised the crow for his sweet voice. उसने कोए की प्रशंसा उसकी मीठी वाणी के लिए की. The foolish crow opened his beak and the bread fell down. मूर्ख कोए ने अपनी चोंच को खोला और रोटी नीचे गिर गई. He took the piece of bread and ran away. उसने रोटी का टुकड़ा उठाया और भाग गया. तो ये हमने एक इंसिडेंट देखी है. चलिए अब हम एक और प्रैक्टिस करते हैं. तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस में एक इसी तरीके का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ मिलेगा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द इवेंट. फिर ये अनअरेंज्ड इवेंट का बॉक्स दे रहे हैं और ये अरेंज्ड इवेंट का बॉक्स दे रहे हैं. इस बॉक्स में आपको सेंटेंसेस सबसे पहले आपको खुद लिखना है, उसके बाद उनसे मिलान करना है. तो लेट अस सी द फर्स्ट सेंटेंस. द लायन वॉक अप,
शेर जाग गया। सडनली ए रैट केम देयर, अचानक एक चूहा वहां आया। इट जंप्ड ऑन द लायंस बॉडी, यह शेर के शरीर पर कूदने लगा। ही वॉन्टेड टू किल इट, वह इसे मारना चाहता था। वंस ए लायन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, तो अब आप इससे मिलान करिए और चलिए अब हम आपके उत्तर को अपने उत्तर से मिलान करवाते हैं। तो पहला सेंटेंस होगा, वंस ए लायन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक बार एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। दूसरा, सडनली ए रैट केम देयर, अचानक एक चूहा वहां आया। इट जंप्ड ऑन लायंस बॉडी, ये शरीर के शेर के शरीर पर कूदने लगा। द लायन वॉक अप, शेर जाग गया। और लास्ट है, ही वॉन्टेड टू किल इट, वह इसे मारना चाहता था। तो ये हमने देखा, शायद आपका कॉन्फिडेंस कुछ डेवलप हुआ होगा। तो लेट अस डू वन मोर एक्सरसाइज, एक और एक्सरसाइज हम करते हैं। ऐसे ही आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी, एक अनअरेंज्ड इवेंट के वाक्य आपको इस तरीके से मिलेंगे एंड देन यू विल हैव आंसर, आपका आंसर होगा। तो पहला आपका सेंटेंस है, दे प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से की सहायता का वादा किया। द अदर फ्रेंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड, दूसरा दोस्त जमीन पर लेट गया। आफ्टर सम टाइम दे सॉ ए बिग बेयर कमिंग टू देम, कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक बड़ा भालू उनकी ओर आ रहा था। Once upon a time there were two friends, एक बार दो दोस्त थे। One of the friend ran and climbed up a tree, दोस्तों में से एक दौड़ा और पेड़ पर चढ़ गया। अब आपने इसको अरेंज कर लिया होगा, तो let us match your answer. The first sentence is, once upon a time there were two friends, एक बार दो दोस्त थे। दूसरा है, दे प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की सहायता का वादा किया। आफ्टर सम टाइम दे सॉ ए बिग बेयर कमिंग टू देम, कुछ समय बाद उन्होंने एक बड़े भालू को उनकी ओर आते देखा। वन ऑफ द फ्रेंड रैन एंड क्लाइम्ब्ड अप ए ट्री, दोस्तों में से एक दौड़ा और पेड़ पर चढ़ गया। और लास्ट है, द अदर फ्रेंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड, दूसरा दोस्त जमीन पर लेट गया था। तो अब एक और एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं। ये एक्सरसाइज जो है ये जरूर आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, इसमें वही इंस्ट्रक्शन दी हुई है। फिर अनअरेंज्ड इवेंट है, यानी अव्यवस्थित घटना है, और एक आंसर के रूप में यहाँ आएगा, ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो द फर्स्ट सेंटेंस इज, द हेयर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्पीड, खरगोश को अपनी गति पर घमंड था। एट लास्ट द टर्टल्स रीच्ड हिज डेस्टिनेशन अर्ली, अंत में कछुआ अपने गंतव्य पर पहले पहुंचा था। वंस देयर वर ए टर्टल्स एंड ए हेयर इन अ फॉरेस्ट, एक बार एक कछुआ और खरगोश जंगल में रहते थे। दे डिसाइडेड टू रन ए रेस, उन्होंने एक रेस में दौड़ने का निश्चय किया। द टर्टल्स चैलेंज्ड हिम इन द रेस, कछुए ने उसको दौड़ में चुनौती दी। अब आपका पहला सेंटेंस देखिए, उत्तर में मिलान करिए।
Once there were a tortoise and a hare. एक बार एक कछुआ और खरगोश थे. The hare was very proud of his speed. खरगोश को अपनी गति पर घमंड था. The tortoise challenged him in the race. कछुए ने उसको दौड़ में चुनौती दी. They decided to run a race. उन्होंने एक दौड़ करने का निश्चय किया. At last, the tortoise reached his destination early. अंत में कछुआ अपने गंतव्य पर जल्दी पहुंचा. ये इसके बाद में एक और इंसिडेंट हम लेते हैं. वही हमारा सिस्टम रहेगा. तो पहला सेंटेंस है, He gave them a bundle of sticks to break. उसने उनको लकड़ियों का एक बंडल तोड़ने के लिए दिया. They always quarreled with one another. वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे. No one could break it. कोई भी इसे नहीं तोड़ पाया. He advised them not to quarrel but all in vain. उसने उनको झगड़ा नहीं करने की सलाह दी परंतु सब व्यर्थ था. Once a farmer had four sons. एक बार एक किसान के चार बेटे थे. ये पांच सेंटेंस हमने लिए हैं. चलिए अपना उत्तर मिलाइए. Once a farmer had four sons. एक बार एक किसान के चार बेटे थे. They always quarreled with one another. वे हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे. He advised them not to quarrel but all in vain. उसने उनको झगड़ा नहीं करने की सलाह दी परंतु सब व्यर्थ था. He gave them a bundle of sticks to break. उसने लकड़ियों का गट्ठर उन्हें तोड़ने के लिए दिया. No one could break it. कोई इसे नहीं तोड़ पाया. तो ये कुछ इंसिडेंट्स इवेंट्स को हमने अरेंज करने करना सीखा. निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हम कुछ और एक्सरसाइजेज लेके आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे. अंटिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम.